नमस्कार, मैं हूं यास्मी। आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म सड़क 2 इस वक्त काफी चर्चाओं में। इसके चर्चा में रहने की वजह फिल्म की तारीफ नहीं बल्कि इसकी ट्रोलिंग है। हाल ही में सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लोगों ने जमकर ट्रोल किया। आमतौर पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद उसके व्यूज और लाइक्स पर ज्यादा बातचीत की जाती है, लेकिन सड़क 2 ट्रेलर के डिसलाइक्स के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। ट्रेलर को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा ट्रेलर को डिसलाइक्स मिले हैं। संजय दत्त को छोड़कर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर अब महेश भट्ट की बेटी ने चुप्पी तोड़ी है। पूजा भट्ट ने ट्वीट कर इस ट्रेलर को नकारने वालों को करारा जवाब दिया है। पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा है, नफरत, बहस, बदनाम, झूठ, बॉयकॉट, भागो, अनफ्रेंड, ट्रेंड, सबसे ऊपर, क्यों नहीं, एक हॉट वोट के साथ सबसे अधिक मेजबान होने के लिए क्या करना चाहिए। पूजा भट्ट का ये ट्वीट देखकर लग रहा है कि फिल्म के ट्रेलर पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे वो काफी खफा है। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो सड़क 2 की आलोचना कर रहे हैं। देखा जाए तो पूजा भट्ट ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं कंगना पर ही निशाना साधा है। दरअसल जहां सड़क के ट्रेलर को डिसलाइक मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जिसमें वो कह रही है कि फेक गुरुओं की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया। अब उनके इसी डायलॉग को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसे लेकर हाल ही में कंगना रनौत ने भी आलिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि बहुत शानदार बात पकड़ी है, क्या इस गुरु को मौलवी या कैलाश स्कैंडल से या मक्का स्कैंडल से बदला जा सकता है, क्या साधुओं की लिंचिंग के मामले का इससे कुछ लेना देना है जो कि अभी जांच का विषय है, क्यों पाकिस्तानी दलालों को धार्मिक नफरत और जांच के विषयों पर टिप्पणी करने की इजाजत दी जाती है। लगता है पूजा भट्ट को कंगना का ये ट्वीट कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बिना कंगना का नाम लिए उन पर जुबानी हमला बोला। आपको बता दें कि इस फिल्म से पूजा भट्ट भी एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही है। फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया है। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के जरिए महेश भट्ट का नाम उछलने से भट्ट परिवार, ट्रोलर्स और सुशांत के फैंस के निशाने पर है। आलिया भट्ट को लगातार ट्विटर पर निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि सड़क 2 को बॉयकॉट करने तक की मांग की जा रही है।